और जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ हो लम्हा बर्दाश्त नहीं होगा ये आदमी मुझसे, ये पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। ना है रास्ता टूटा वास्ता, अरमानों का लुटा है काफिला, और जिंदगी मुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख अहमद बेटा। अहमद वालेकुम सलाम, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो बेटा? कुछ नहीं, सही बस सही से। हाँ क्या बेटा, कल खुशी खुशी बारात लेकर गए और आज सुबह सुबह यहाँ? कह रहा हूँ ना मम्मी, आपसे कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे ही बस बिना वजह परेशान हो रही हैं। माँ हूँ तुम्हारी मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, कैसे परेशान ना हो। कुछ नायला ने कह दिया है तुम्हें क्या? वही हुआ जिसका डर था मैं। नायला ने जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी हुआ, सही होना चाहिए था। लो भाई अजरा, जल्दी करो, हो सकता है वो नाश्ते पर इंतजार कर रहे हो। बस भाभी हो गया। ये बताइए जारा क्या कर रही है? अरे जारा मेरे लाख मना करने के बावजूद हलवा खुद बनाने बैठ गई, वैसे बन गया है बस पिस्ता बादाम डालकर ला रही। और ये जमी और कामी भी भाभी नजर नहीं आ रहे। लो शुक्र है आ गए ये लोग। हाँ जी सब रेडी है। हाँ हाँ सब रेडी है। जारा, और जारा आप भी जाओ बेटा। जी जी बस आ गए। जल्दी करो, नायला उठने के बाद नाश्ते में जरा भी इंतजार नहीं करती, ऐसा ना हो कि आज के दिन भी तुम्हें डांट फिट जाए उसे। बस जो अब दूर चली गई है, अब तुम मुझसे प्यार करेंगी, डांटेंगी नहीं। अच्छा अब निकल भी जाओ, 10 बज चुके हैं। क्या मतलब, आप नहीं चल रहे हमारे साथ? यार चची जान साथ जा रही है ना, काफी है, मैं घर के कुछ काम कर लूंगा। अच्छा ना जमी भाई ये सब रखे तो आप, मैं थोड़ा हो गया ठीक है, आ जाओ। तौबा है लड़की, चलो जल्दी जाओ, तैयार हो जाएगी भाभी, फिक्र ना करें।
अच्छा अजरा, मेरा हलीमा को बहुत बहुत सलाम कहना। भाभी फिक्र ही ना करना, कह दूंगी। आप बैठे, गाड़ी में आ जाती है। जारा जल्दी करो बेटा। अरे भाई मैं इतना थक गया था, मैं सोच रहा था कि थकन उतारने के लिए अब हफ्तों आराम करना पड़ेगा, मगर टू माई अमेजमेंट आज सुबह जब मैं सो के उठा तो बिल्कुल फ्रेश था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बाबा जान। इसकी वजह ये है कि आपको अपनी बहू लाने की बहुत खुशी है। हाँ भाई ये बात तो सच है, खुशी तो मुझे बहुत ज्यादा। अम्मी जान आपकी बहू साहिबा अभी तक सो रही है? हाँ बहुत थकी हुई थी ना बेटा, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि आराम कर लो। लेकिन अम्मी जान अब ये तौर तरीके नहीं चलेंगे, सुबह 7 बजे उन्हें उठाकर किचन में खड़ा कर देना होगा, और जहाँ अहमद भाई उनके नाज नखरे उठाने लगे इनके कान खींच लीजिएगा। अहमद भाई आपको मेरी किसी बात से कोई इश्यू तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे भला क्या इशू होगा। तुम्हारी वो भाभी है जैसा तुम्हें बेहतर लगे, और वैसे भी मुझे लगता है ये तो घर के मामलात हैं, मैं ज्यादा बेहतर समझती हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाभी। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आइए आइए। माजरत भाभी, हम लोग को आने में थोड़ी देर हो गई। हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग रात देर तक जागते होंगे, तो सो भी देर तक रहे होंगे। बस आज खुशी में जल्दी उठ गए। बच्चों नजर नहीं आ रही। आपकी बच्चों अभी तक सो रही हैं, वो शायद भूल चुकी हैं कि वो बेकिन ही ससुराल आ चुकी है। अभी तक सो रही है? अरे नहीं, वो तो सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने उसे दोबारा सुला दिया। अच्छा तो मैं बच्चों से मिलकर आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा जरूर। बच्चों आगे सुबह सुबह क्या मुसीबत है, सुबह सुबह इसका चेहरा देखना जरूरी था। आ रही हूं। हद करती हो बच्चों, ससुराल में पहला दिन है तुम्हारा और अभी तक सो रही हो। याद रखो ये ससुराल है, मैका नहीं है। ससुराल हो या मैका, मैं किसी के लिए भी अभी नींद नहीं डिस्टर्ब कर सकती। उफ, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए कपड़े निकाल रही हूँ, फ्रेश होके तैयार हो जाओ, सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों नाश्ता भी लेकर आ रहे हैं, वो भी ठंडा हो रहा है। जारा तुम्हें किसने कहा था नाश्ता लाने को? बच्चों क्या तुम्हें बताना या याद दिलाना पड़ेगा कि शादी की रस्मों में से एक रस्म मैके से नाश्ता आना भी होता है। रस्मों के मामले में तो खुद कफील हैं हम। अच्छा तुम जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। जाती हूँ, और सो मत जाना दोबारा से। इस दफा सोई ना तो अहमद भाई को भेजूंगी उठाने के लिए। ज़ारा तुम जाती हो या मैं? जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। अरे अम्मी अब आप किन कामों में मसरूफ हो गई, क्यों थका रही हैं खुद को? अरे कुछ नहीं बेटा, बस एक हंडिया बनानी है, बाकी ज़ारा कर लेगी। तो फ्रिज में इतना कुछ रखा हुआ तो है, गुजारा हो नहीं सकता क्या? हाँ बिल्कुल गुजारा हो सकता था अगर सिर्फ हम घर वालों ने खाना होता। आज दोपहर के खाने पर नायला और अहमद दोनों आ रहे हैं। ओ मैं तो भूल ही गया था। वैसे एक बात है, अहमद है बहुत अच्छा लड़का। सिर्फ अहमद नहीं पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत सुलझी हुई। और हलीमा आंटी कितनी खुश थी कल, बार बार अहमद और नायला का सदका उतार रही थी। जाहिर है भाई उन्हें उनकी पसंद की बहू जो मिल गई। बस मैं तो खुद अब बड़ी संजीदगी से अपनी बहू लाने का सोच रही हूँ। बस तुम जल्दी से हाँ कर दो, क्योंकि जिस तरह की चांद सी बहू मैं चाह रही हूँ ना तुम्हारे लिए, उसे ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। चांद सी बहू? फिलहाल मुझे चांद सी बहू के चक्करों से दूर रखें।
फटाफट काम खत्म कीजिए, मैं बाहर अब्बू और चाचा जी के साथ बैठा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नायला आओ बेटा मेरे साथ आके बैठो। नहीं चाची, मैं तो अपने दुल्हा के पास ही बैठूंगी। बेटा तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाना, वहाँ पे नुसरत और कयूम भाई तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। जी आंटी। आप जाएंगे? मैं? ऑफिस से मेरा ख्याल है जाना तो चाहिए, रस्म रिवाज है ये, इन्हें निभाना तो जरूरी होता है। इन रस्मों के चक्रों में मत पड़े, घर पे रेस्ट करें, मैं भी कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। हैं? वेरी गुड भाई, दिख तो बहुत अच्छा रहा, होगा भी मुझे का यकीन। वाह 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 बेटा, बहुत आला, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। बाबा जान मैं सोच रहा था हम एक साइड बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिठाइयों का, और हम सारी की सारी मिठाइयां ज़ारा से बनवाएंगे, बहुत फेमस होंगी। आमिर भाई आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। हाँ मैं तुम्हारे क्यों ने पैसे कमाने लगते हो यार। किसी भी रिश्तेदार ने 10,000 से कम सलामी नहीं दी। अच्छा और घर वालों ने? जाहिर है उन्होंने भी बहुत कीमती गिफ्ट दिए। हाय अल्लाह मी, बच्चों की गाड़ी देखने वाली है, सास ससुर ने मुंह दिखाई पर दिया ना इन्हें। अरे तो हाय अल्लाह क्यों बोल रही हो, माशाल्लाह कहो। अम्मी लो, आप लोग यहाँ बैठे, मैं पूरे घर में ढूंढ के आ गया आपको। अबू कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? वो यूसुफ भाई और अजरा के साथ मार्केट तक निकले, फिर आकर हम तीनों यहाँ बैठ गए। और तुम? अम्मी से इतनी मेहनत करवाई खाम खा तुमने, सुबह से किचन में खाने बना रही है और तुम शोहर को घर पे छोड़ के आ गई हो। वो भाई असल में वो बहुत थके हुए थे, उनको सोना भी था ना इसलिए। अच्छा मैं जमी के साथ हूँ, कुछ काम निपटाने वो देख लूंगा। अच्छा भाई और बताओ। आ जाएं। कैसे हो आमिर, क्या वो कहीं जा रहे हो? जी मैं ऑफिस आ रहा था 2 घंटे के लिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे भी एक फेवर दे दो। मेरे टेबल पे 2 फाइल्स पड़ी होंगी, उनसे इन टच हो जाओ और कल उनके साथ मीटिंग सेट कर लो। कल की? हाँ कल की, मैं कल से ही ऑफिस जाऊंगा। भाई आप खुश तो है ना? कैसी बातें कर रहे हो? बहुत खुश हूं मैं, बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस सर में थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी देर सो जाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। नहीं नहीं आमिर, मैंने मेडिसिन खा ली है यार, पूछ तो लो मुझसे, तुम बस अब ऑफिस जाओ। ठीक है।
जुबैर, हमने नायला और अहमद की शादी का फैसला कुछ जल्दी नहीं कर दिया। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे। वही जो आप समझ रहे हैं, आपने अहमद का बदला हुआ रवैया महसूस नहीं किया? नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही है, ऐसी अटक-अटक के बोलता भी। सिर्फ उस वक्त जब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन इतनी सी बात से आपने ये अंदाजा कैसे लगाया कि हमने फैसला ही गलत किया? अहमद मुझे खुश नहीं लग रहा। नहीं मेरी माँ, आप तो माँ है, शुरू से जानती है उसे, शुरू से ऐसा है, ज्यादा लोगों से ना खुलना मिलना, किसी से बात ना करना, अलग थलग सा रहना, ये तो गालिबन उसकी फितरत में है। आप फहम न करें और ना जहन को ज्यादा थकाए। वैसे भी आज शाम को वलीमा है और आपने वहाँ मेहमानों के इस्तकबाल में यहाँ से वहाँ भागते रहना है, इसको अटेंड किया उसको कर्टिसी दिखा, बेहतर यह है कि दिन में ही आप रेस्ट कर लीजिए कुछ। जी जानता होता कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है तो मैं इससे खुद इनकार करता था। तो आप क्या चाहते हो, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दोगे? ऐसा काम तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। मेरी आपकी शादी हो चुकी है नायला, और अब आप ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे खानदान की बेइज्जत है। जिस रिश्ते में हम दोनों बन चुके हैं, मुझे उस रिश्ते का एहतराम करना है, और मेरी आपसे भी यही दरखास्त होगी कि आप भी इस रिश्ते का मान, इसकी लाज रखे। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगा, बहुत थक गया हूं। आप भी आराम कीजिए। ये देखो, नायला और अहमद की ताई जी के साथ कितनी अच्छी फोटो आई है। वाकई बहुत खूबसूरत पिक्चर है। मैं सोच रही हूँ इस पिक्चर को फ्रेम करवा के अम्मी के कमरे में लगवा दूँ। अच्छी लगेगी। ये देखो, ये भी बहुत प्यारी है। बज्जू की और अहमद भाई की कितनी खूबसूरत पिक्चर आई है। बस ये बज्जू के फ्रेम्स ना होते ना तो ये भी फ्रेम हो सकती थी। अच्छा ये कैसी है? एक सेकेंड रुके सर, पीछे कर। ये किसने खींची? आप और मैं साथ कब ली, किसने ली, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये ग्रुप फोटो थी, मैंने क्रॉप की है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। सब क्या सोचेंगे? वही सोचेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
अच्छा छोड़ो इस बात को, कामी की ताई जी के साथ कितनी अच्छी फोटो आई है, रुखसती की फौरन बाद ली थी मैंने। अगर बाबा जान को हमारे बारे में पहले पता चल जाता तो वो तुम्हें भी रुखसत करवा के अपने साथ घर ले आते। तुम क्या सोचते कि मैं मान जाती? बिल्कुल, बल्कि तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट उठते। जी नहीं, खुशफहमी है आपकी। वही भी वही, ये लड़कियां अपनी खुशी का इजहार करने में इतनी कंजूस क्यों होती हैं? होती होंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। फिर ना मानने की वजह? आमिर, तुम तो जानते हो ना कि अम्मी का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं उन्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ के जाना चाहती। उन्हें अकेला कौन छोड़ रहा है? मुझे कोई इतराज नहीं अगर वो हमारे साथ रहना चाहे। वो कभी भी इस बात पे एग्री नहीं होगी। और तुम भी तो चाहते ना कि मैं शादी के बाद जॉब ना करूं। किरण, ये मेरी ख्वाहिश भी है और रिक्वेस्ट भी। आमिर, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी रुखसती होने के बाद अम्मी को कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे नहीं जुड़ेगा, उनका बेटा बनकर दिखाऊंगा मैं। यकीन है मुझे, लेकिन उनके कुछ असूल हैं जो मैं कायम रखना चाहती हूँ, उनकी खुददारी, उनकी खुशी के लिए। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। नाश्ता तो मुझे। खाना भी तैयार है दुल्हन बीबी, 12 बज चुके हैं। मैं अभी सोकर उठी हूँ। बेशक 2 भी बज रहे हो, मुझे नाश्ता चाहिए, खाना नहीं, समझी? जी बीबी जी। जाग गई बेटा? सॉरी, आपने आवाज दी तो मैं। कोई बात नहीं, काफी कीमती होगा। कीमती तो था, लेकिन टूटने वाली चीज थी, टूट गई। तुम क्यों परेशान हो रही हो? नींद पूरी हुई तुम्हारी? जी जी हाँ। सोचा करती थी कि कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन इस घर में मेरी बहू होगी। भाई, ये तीनों बाप बेटे तो काम पे चले जाते हैं और रात गए वापस आते हैं, और मैं घंटों इधर उधर ऐसी वैसी फिरती रहती हूँ। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो हम बहुत देर तक बातें किया करेंगे बैठ के। तुम कुछ खा पी लो, फिर बातें करते हैं। जावेद, जावेद, अशरफ को मैं रूम में भेजूंगा। जी सर। ये फाइल्स आप आमिर को उसके रूम में दे दीजिए प्लीज। और हाँ, एक अच्छा सा कप चाय कभी पिला दें। जी सर। सर वो बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, कैसे अब? सर इन 4 दिन की छुट्टी में मैंने 2-3 डॉक्टर को उसको दिखाया है। एक डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया है, मगर इलाज बहुत लंबा चौड़ा बता दिया है। आप किसी किस्म की फिक्र ना कीजिए, अल्लाह का नाम लेकर अपनी बेटी का इलाज शुरू करवाइए। जितना भी खर्चा आएगा कंपनी बर्दाश्त करेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत नवाजे और बहुत दे सर। Thank you.
बज्जू अपने ससुराल में खुश होगी ना। ए यार, तुमने इतनी मजेदार आइसक्रीम का मजा किरकिरा कर दिया। अरे क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये कि तुम्हारी बज्जू की बातें सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। कभी अपने बारे में भी बात कर लिया करो, या फिर मेरा हाल अहवाल ही पूछ लो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ये बात है। चले आप ये बताएं कि आप अपनी नई जिंदगी का आगाज कब कर रहे हैं? बहुत जल्द। अच्छा कब, किसे, कुछ तो बताएं। बताएंगे नहीं? ये सब मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा। वाह क्या बात है, आप ऐसा सियासी जवाब दिया आपने। अच्छा अपनी नाक साफ करो, आइसक्रीम लगी है। जी नहीं, बिल्कुल साफ है मेरी नाक और मुझे आइसक्रीम खानी भी आती है। पूरे 6 साल बाद मुलाकात होगी सुल्तान से। पहले आ जाते तो शादी में शिरकत भी कर लेते। अब दूसरे मुल्कों से आना जाना कोई आसान थोड़ी होता है, सारे के अपने मसाइल होते हैं। पता नहीं अहमद कहाँ रह गया, दोपहर को फोन करके मैंने उससे कह तो दिया था कि शाम को जल्दी आ जाना, आपके दोस्त आ रहे हैं। दुल्हन को बता दिया ना? वो सो रही है लेकिन है घर पे ही, बता दूंगी। तो पहले बता देती ताकि ठीक से तैयार हो जाती। वो लोग खास तौर से अहमद और नायला को मिलने आ रहे। गुड इवनिंग। अरे वाह, हमारी बहू तो पहले से ही तैयार हो गई, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आओ बैठो बेटा। जावेद एक कप और लाओ दुल्हन के लिए। नहीं नहीं अंकल, मैं बस निकल रही थी। कहाँ जा रही हो बेटा? फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, उनको मैंने डिनर पे इनवाइट किया रात को। लेकिन बेटा तुम्हारे अंकल के दोस्त बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पे तुमसे और अहमद से मिलने के लिए। हमने उन्हें रात के खाने पे इनवाइट किया, अगर तुम चली गई तो आंटी आपको मुझसे पूछ के बुलाना चाहिए था ना। हेलो हाँ नूर, तुम लोग पहुंच गए हो? मैं बस 15 मिनट में पहुंची हूँ, ठीक है? हाँ ओके बाय, मैं निकलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं नायला को बताया नहीं हुआ था कि सुल्तान अंकल आ रहे हैं उससे मिलने, कैसे जा सकती है इसे? कोई बात नहीं बेटा, अगर चली गई तो। कैसे कोई बात नहीं, अम्मी सुल्तान अंकल क्या सोचेंगे, वो अपनी पूरी फैमिली लेकर खास तौर पर उससे मिलने आ रहे हैं, बहुत बुरी बात है। अच्छा अब हम उन्हें दोबारा बुला लेंगे, वो कुछ अरसे पाकिस्तान में ही रहेंगे। बेटा गलती मेरी है, मैंने उसे देर से बताया, वो अपना प्रोग्राम बना चुकी थी और तुम्हारे बाबा को उसे इजाजत देनी पड़ी। अच्छा तुम अब जाके फ्रेश हो जाओ, वो लोग बस आने ही वाले होंगे। जाओ शाबाश। क्या हुआ अहमद, फोन क्या उठा नहीं रही? खुदा खैर करे। परेशान होने की कोई बात नहीं, खानमों से मेरी बात हो गई, लोग बस पहुंचने वाले। शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम खैरियत से आ गई। अहमद तुम्हें कब से फोन मिला रहा था, तुम रिसीव ही नहीं कर रही थी, हम इतने परेशान हो गए थे बेटा। अरे भाई हलीमा, आते ही उसकी खबर गिरी शुरू कर दी। भाई उसे आराम से बैठ जाने दो, पूछ लो। बैठो बैठो बैठो। हाँ आओ बेटा बैठो। भाई आइए आप।
प्लीज यहाँ बैठिए। ये सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आप लोगों के लिए हनीमून ट्रिप अरेंज करवा दिया है। 8 दिन का पैकेज है। आप दोनों के लिए मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट। वाओ, कहाँ भेजो हमें? पेरिस। रियली? जी। थैंक यू सो मच आमिर। आमिर यार, तुम तो बहुत ही गुन्ने हो, हैं? हमें भी कानो कान खबर नहीं है। इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब बहुत खुश हैं। भाई आप तो खुश हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। आज शादी के बाद मैं पहली दफा खुश हूँ। मेरा मूड बहुत अच्छा है ये सोच के कि हम लोग पेरिस जाएंगे। लेकिन तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं लग रहा। तुम जाना नहीं चाहते क्या? असल में आज अम्मी और बाबा ने सुल्तान अंकल और उनकी फैमिली को घर पे डिनर पे इनवाइट किया था। मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम... मैं ना जाती, यही ना? हाँ, अगर तुम ना जाती, उनसे मिल लेती अच्छा हो जाता, क्योंकि वो तुमसे भी मिलने के लिए आए थे। देखो अहमद, अगर फ्रेंड्स के साथ चले जाओ तो यही होता है, और मैं किसी और की वजह से अपने प्लान तो चेंज नहीं कर सकती ना। और मुझे पाबंदियां लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। अंकल आंटी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, चेंज करने जा रही हूँ। तुम्हारा जमी से रिश्ता तय हो रहा है? हाँ बस जो, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और सोचोगी भी नहीं। इनकार करना होगा तुम्हें इस रिश्ते से। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। आप कब आए? बस अभी। मैंने जो कहा तुमने सुना? मैं तो गाना सुन रही थी। लगता है दोबारा कहना पड़ेगा। जरूरी बात है तो कह दीजिए, बड़ा रहने दे। मैं कुछ ना कहूं और मेरे दिल की हर एक बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। सारा, कुछ बातें अनकही अच्छी होती हैं, मगर फिर भी दिल जवाब मांगता है। और कुछ बातों के जवाब लफ्जों में दिए नहीं जाते। ना उसकी किसी को परवाह है और ना ही फिकर। भाई किसको फिकर नहीं है, किसको परवाह नहीं है? जैसे आप जानते नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ। भाई कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। नायला की बात कर रही हूँ कयूम साहब, आज चलें उसके घर। हाँ तो बना लो प्रोग्राम। भाई आज तो कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा, आपको सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल करना पड़ेगा।
अच्छा, मालूम होता है तुमने कोई आज खास प्रोग्राम बना रखा है। वाह क्या बात है भैया, इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। भाई है ना, इसलिए पहचान लिया। क्या पहचान लिया, कुछ मुझे भी तो पता चले। भाभी पहले तो आप अपना मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए। ले ना। ये ले। लीजिए, मुंह मीठा कर लिया, अब बताइए क्या बात है। भाई हमने जमी और जारा का रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे रिश्ता मांगा भी नहीं और खुद ही पक्का भी कर लिया। अरे भैया बेटा भी हमारा और बेटी भी हमारी, तो फिर ये मांगधन कैसी। हम वापस जाने से पहले रसम करके जाएंगे भाभी। लेकिन हमने तो अभी तक खा नहीं की। तो क्या भाभी आपका इनकार का इरादा है। नहीं लेकिन अपनी बेटी और दामाद के बगैर हम ये फैसला तो नहीं कर सकते। हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब। तो उन दोनों को आज बुला लेते हैं हम। तो तुम ही नायला को फोन कर दो ना और उनसे को दोनों आ जाएं और खाना भी रात का यहीं खा लें। बस ये ठीक है भाभी, बस मैं अभी नायला को फोन करके आती हूँ क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मेरी खुशी मैं बता नहीं सकती। भाई मैं अभी करती हूँ फोन। हाँ नायला। हाँ चाची का फोन आया था, उन्होंने तुम्हें और मुझे डिनर पे बुलाया। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से कोशिश करके थोड़ा जल्दी निकल आता हूँ। नहीं नहीं मैं अभी जा रही हूँ, तुम ऑफिस से ही आ जाना। हेलो नायला। हेलो क्या चाह रही थी है? अम्मी जारा कहाँ है सब? नायला मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम, तुम्हारे इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा जल्दी से बताएं क्या खुशखबरी देनी थी आपने, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। आज हम जारा और जमी का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा प्लीज तुम जरा जारा को देख लो, वो तैयार हो गई, मैं जमी को देख लू कहीं वो लेट ना हो जाए। ठीक है शाबाश। ओके तुम्हारा जमी से रिश्ता तय हो रहा है? हाँ बस जो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सोचोगी भी नहीं, इनकार करना होगा तुम्हें इस रिश्ते से। सुना तुमने, मना करोगी तुम। बच्चों जमीन ने मुझे ठुकराया था और अब तुम उससे ठुकराओगी।